हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पारिजात गार्डन में। आप ये देख रहे हैं, ये गुलदावरी के फ्लावर हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इसको हमने इस कैन में, पुराना मेरा कैन था उसी को कट करके हमने लगाया है और ये कटिंग से ग्रो किया है। ये सारे हम गैलन जो पुराने बैटरी के पानी वगैरह आते हैं वो खाली हो जाते हैं, उन्हीं में हमने ये प्लांट लगाया है और बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल चल रहे हैं। इसमें हमने मैरीगोल्ड लगाया है। और ये कुछ आटे की बोरियां हैं जो खाली हो जाती हैं, तो उसमें हमने ये गेंदे मैरीगोल्ड का प्लांट लगा दिया जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। उसमें कलियां भी बहुत सारी आई हुई हैं। आप ऐसे पुराने बोरियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी मैरीगोल्ड और एक चमेली का प्लांट लगाया है और इस गैलन में भी हमने गेंदे का प्लांट लगाया है। ज़रूरी नहीं है कि आप न्यू पॉट या गमले खरीदें तभी प्लांट आप लगाएं, ऐसे आपके यहाँ वेस्टेज बहुत सारे सामान निकलते हैं जिसमें आप प्लांट लगा सकते हो। सारी बोरियाँ देखिए, हम वेस्ट हम फेंक देते हैं, इसमें प्लांट आप लगाइए। इसमें स्पेस भी बहुत अच्छे होते हैं और ये गैलन वगैरह हमारे पुराने कबाड़ में ही जाते हैं, इनका भी यूज़ करिए। और ये हमारे इसमें दही आई थी, दही ख़त्म हो गया तो इसको भी हमने प्लांट लगा दिया। और ये किचन के टब हैं, क्रैक हो गए तो इसमें हमने स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगा दिया है। ये भी हमारी आटे की बोरियां खाली हुई थी, इसमें हमने मेथी बो दिया। ऐसे आप पुराने चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बॉटल को काट के हमने बनाया है, ये भी डलिया है। ये सारे हमारे पुराने वेस्टेज में ही प्लांट लगे हुए हैं। ये टमाटर का प्लांट है जो सीड से हमने गैलन में ग्रो किया है और पुराने बकेट का भी इस्तेमाल किया है। और ये पुराने लंच बॉक्स के बाहरी हिस्सा है, ये उसका बॉडी, उसमें भी हमने पटुला का ग्रो किया है। और ये वॉशिंग मशीन है पुराना, उसमें भी हमने प्लांट लगा दिया। वेस्ट फेंकने से अच्छा है आप अपना प्लांट ग्रो करिए और बहुत ही फ्लावर इसमें आते हैं। एक में गुड़हल लगाया है और एक में हरसिंगार। और ये गैलन को हमने कट करके इसको हमने पेंट कर दिया है और इसमें हमने लहसुन लगा दिया। सारे गैलन, इस गैलन में हमने अजवाइन का प्लांट ग्रो किया है और इस बकेट में डहलिया ग्रो किया है। इस तरह से आप पुराने सामानों को यूज़ करके अपने गार्डन का शौक पूरा कर सकते हो और बहुत ही अच्छा ये चलता है। ये भी हमारे किचन के पुराने डलिया हैं, इसमें भी हमने ये पिटोनिया ग्रो किया है। और ये हमारे पुराने कैसरोल, इनका भी हमने यूज़ कर लिया। इसको भी हमने डलिया में, और ये हमारे सीड से हमने ग्रो किया है पिटोनिया और कुछ सीडलिंग हमने इसमें लगा रखा है। इसी तरह से आप अपने पुराने जो भी सामान निकलते हैं उनका यूज करिए और अपना गार्डन सजाइए और बहुत ही सुंदर लगते हैं गार्डन। और ख़ुद से पुराने सामानों का यूज करके जो प्लांट लगाएंगे तो उसमें और भी खुशी मिलती है और भी अच्छा लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।